चार लोग उसको भी जानते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है जब कोई चार लोग जानते हो ना टिकटॉक उसको मतलब बदोबदी लेके आता है फॉर यू पे, ठीक है, उनकी वीडियो फॉर यू पे आ रही है। आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं, आपको बताएं कि रजब भट्ट के घर पर जिस बंदे ने फायरिंग की है उस बंदे का फेस रिवाइल हो चुका है और वो बंदा कन्फर्म हो चुका है कि जिसने फायरिंग की है, ये बात रजब भट्ट ने कन्फर्म कर दी है। तो इस वीडियो में हम आपको वो बंदा दिखाने वाले हैं जिस बंदे ने रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की थी। हालांकि जिस बंदे ने फायरिंग की है इसके कुछ और भी वजूहात हैं, कुछ और भी सीन है जो कि रजब भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में पूरी बात बताई है। तो आपको बताएं कि इस वक्त जो स्क्रीन पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये वो बंदा है जिसने रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की थी। आपको बताएं कि रजब भट्ट का इसके साथ पहले भी कुछ सीन हो चुके हैं, इतना कुछ खास सीन नहीं हुआ लेकिन बताया जा रहा है कि जब रजब भट्ट इतने फेमस नहीं थे तो उस वक्त के भी कुछ सीन थे रजब भट्ट के। हालांकि इतना कुछ खास सीन नहीं था लेकिन इस बंदे ने जो है रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की है जो कि अब रिवाइल उसका फेस रिवाइल हो चुका है जो कि रजब भट्ट ने खुद ही किया है एक इंटरव्यू में। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करने जा रहे हैं। रजब भट्ट के घर पर जिस बंदे ने फायरिंग की थी उसमें से एक बंदा ये था और बकाया उसकी ये पूरी टीम थी जिस बंदे ने वहाँ पर यह फायरिंग की थी। तो इसके हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि अगर आपको इसका मज़ीद डिटेल देखनी हो तो रजब भट्ट का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है जो कि आप गूगल पर सर्च करके आसानी से उसको देख सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में एक दिन पहले आया है जिसमें रजब भट्ट ने अपनी क्लियर वादे करके बताया है कि इस बंदे ने उनके घर पर फायरिंग की है। तो इस बंदे की आप पिक्चर्स देख सकते हैं, अब मैंने आपके सामने लाइव रख दी है, इस बंदे ने जो है फायरिंग की है रजब भट्ट के घर पर। तो नाज़रीन मज़ीद इसी हवाले से हमारे पास इस चैनल पर कोई भी अपडेट आती रहेगी तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो आज की यही थी अपडेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।